नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में कृषि। इसके पहले हमने दो पार्ट देखे थे जिनमें बेसिक बातें बताई थी और खाद्यान्न फसलों के बारे में बात की थी। आज मैं बात करूंगा राज्य के अंदर दलहनी व तिलहन फसलों के बारे में। और इसके अंदर जो पहला पार्ट देख रहे हैं अपन दलहनी फसलों के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और उनमें बात करता हूँ सबसे पहले मोठ के बारे में। मोठ मैंने पहले बता रखा है किस प्रकार की फसल है, तो ये मैंने बताया था खरीफ की फसल है और इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करूं तो वो है जिला बाड़मेर। उत्पादन की बात करें तो वो भी होगा बाड़मेर। और इसके अंदर सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल है वहीं पे उत्पादन आप लोग को देखने का मिलेगा। और साथ में बात करूँ खरीफ की फसलों के अंदर जो दालों का उत्पादन होता है, उस दालों के अंदर 40% भाग में केवल मोठ बोई जाती है और मोठ का उत्पादन होता है। ये बात इम्पोर्टेंट, ये बात बताइए आपको। फिर बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो फसल है हमारी वो है चना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, आपको पता होगा इसके जो महत्व भी बहुत ज़्यादा है। हम बात करते हैं इस फसल, आपको मैंने बता रखा है कि किस प्रकार की फसल है, तो ये है रबी की फसल है चना। और इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है चुरू जिले के अंदर, क्षेत्रफल कहाँ पे है, चुरू जिला। और उत्पादन की बात करूँ तो उत्पादन भी कहाँ पे है, चुरू जिला, ये बात आपको याद रखनी है। फिर बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनके बारे में बताऊँ आपको, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, बीकानेर, यहाँ पर भी जो चना का उत्पादन होता है। फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं देश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से राज्य का चना के अंदर कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। ये दोनों के अंदर इसमें क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों। और मित्रों मैं बात करूं जो रबी की फसल है उसमें जितने भी दालें बोई जाती हैं उसके अंदर 90% भाग किनका होता है, चना का। और साथ में बात करें ये ठंडी और शुष्क मौसम की फसल है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और जहाँ पे सिंचाई की जाती है वहाँ चने की खेती की जाती है, उसको बारानी कृषि के रूप में जाना जाता है। बारानी कृषि कहाँ पे, जहाँ पे सिंचाई के द्वारा चने की खेती की जाती है। फिर बढ़ते हैं आगे। और इसके लिए जो वर्षा की जरूरत होती है मित्रों, बारिश वो होती है 50 सेंटीमीटर से लगाकर 80 सेंटीमीटर तक, जो बारिश है इसकी जरूरत पड़ती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ नेक्स्ट फसल के बारे में। और नेक्स्ट फसल है मित्रों हमारी मूंग। और मूंग के बारे में आपको पता है कब बोया जाता है, ये खरीफ की फसल है, मैंने पहले बता रखा है। बात करें इसके सर्वाधिक क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल है कहाँ पे, नागौर जिले के अंदर, कौन सा जिला, नागौर। और उत्पादन की बात करूं तो उत्पादन है मित्रों नागौर जिले के अंदर ही। फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं और कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे इनका उत्पादन होता है, तो जोधपुर, जालौर, जयपुर, अजमेर, टोंक, पाली, ये बातें आपको याद रखनी है। और साथ में बात करें नागौर, पाली, अजमेर क्षेत्र में, तो स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, हरिया, कौन सा, नागौर, पाली और अजमेर क्षेत्र के अंदर स्थानीय भाषा में मूंग को बोलते हैं क्या, हरिया बोलते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। इतनी बातें आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि
फिर बढ़ता हूँ आगे, तो नेक्स्ट है हमारी फसल है उड़द। और ये भी मैंने बता रखा है किसके अंदर आती हैं, उड़द खरीफ की फसल के अंदर आती हैं। और बात करते हैं इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका है भीलवाड़ा जिले के अंदर। कौन सा जिला? भीलवाड़ा। और बात करूं मैं उत्पादन की, तो उत्पादन जिला है बूंदी। इसके अलावा भी अन्य जिले हैं जिनके अंदर बात करें झालावाड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, टोंक, कोटा, यहाँ पर भी उड़द की फसल बोई जाती है। और ये फसल भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए ये बोई जाती है। इस फसल के बोने से भूमि की उर्वरता बढ़ती है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे और बात करते हैं बात करता हूँ मित्रों छबला। छबला के बारे में बात करते हैं। तो छबला ये खरीफ की फसल है, ये सब आपको पता है। और खरीफ की फसल है, और इस फसल का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है सीकर, और उत्पादन भी कहाँ पे है? सीकर। क्षेत्रफल भी सीकर छबला का, और उत्पादन भी सीकर के अंदर। और इससे और साथ में बात करें जो अन्य उत्पादक जिले हैं उनमें नागौर है, जयपुर है सीकर के अलावा। और इसे स्थानीय भाषा में हम बोलते हैं छोला। क्या बोलते हैं? छोला। और एक चावला का अन्य नाम भी है, इसे बोलते हैं लोबिया। क्या नाम है? लोबिया। एग्जाम में इस प्रकार आ जाए कि लोबिया किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा चावला को। फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है अरहर। अरहर की बात करूँ ये भी एक खरीफ की फसल है, मैंने पहले बता रखा है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रिवाइज हो जाए। खरीफ की फसल है, और ये इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वो है जिला है बांसवाड़ा। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे? बांसवाड़ा। इसी प्रकार उत्पादन की बात करूँ तो उत्पादन पर है ज़्यादा उदयपुर जिले के अंदर। कौन सा जिला? उदयपुर। इसके अलावा भी जिले हैं, इसमें जयपुर, टोंक है, यहाँ पर भी उत्पादन होता है। और स्थानीय भाषा के अंदर अरहर को बोलते हैं आरेड़। क्या बोलते हैं? आरेड़। ठीक। और साथ में बात करूं जो अरहर का भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारतवर्ष की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम स्थान पे है महाराष्ट्र। ये बात की मैंने अरहर की। फिर नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ मसूर की। इसकी बात करते हैं मसूर, तो मसूर के बारे में मैंने बता रखा है ये कौन सी फसल है। मसूर रबी की फसल है। और बात करें इसके सर्वाधिक क्षेत्रफल की, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है झालावाड़ के अंदर। और उत्पादन की बात करूं तो सर्वाधिक उत्पादन है कहाँ पे? बूंदी के, मसूर के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल झालावाड़, और उत्पादन है बूंदी। और इसी प्रकार बात करें आगे इसके बारे में जो अन्य जिले हैं, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, भरतपुर है, प्रतापगढ़ है, और ये रबी की दलहन फसल मैंने बता दिया आपको। फिर बढ़ता हूँ आगे, जितने भी मैंने दलहनी फसलें बताई हैं उनका ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल जो दलहन का उत्पादन है कहाँ पे होता है। इसके बारे में बात करूँ कुल टोटल है, कुल दलहन के बारे में बात करते हैं। कुल दलहन की बात करूँ तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो जिला है हमारा सबसे गर्म, कौन सा? चूरू। ये किसके बारे में बता रहे हैं हम? क्षेत्रफल की। उत्पादन की बात करें, ठीक है, उत्पादन की बात करूं मित्रों तो सर्वाधिक
जो कहाँ पे होता है, हमारी राजधानी जयपुर के अंदर। इसके अलावा भी अन्य जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में दलहन होते जो हैं झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झालावाड़, चूरू, अजमेर। और देश में उत्पादन की दृष्टि से बात करूँ तो राज्य का स्थान कौन सा है देश के अंदर दलहन के उत्पादन के अंदर, और देश में राज्य का स्थान है 5वां स्थान, और ये किस में उत्पादन की दृष्टि से मैंने बताया। और यहाँ पर देश की 7% दालें उत्पादित होती है, कितनी? 7%। और जो सर्वाधिक दलहन का उत्पादन होता है जिसमें प्रथम स्थान किसका है, तो वो प्रथम स्थान है यूपी का। देखिए जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा है तो ये पहले स्थान पर होगा, आवश्यकता ज़्यादा होती है तो दालों के अंदर भी प्रथम स्थान पे कौन? यूपी। और जो ये तो मैंने बात की इसकी उत्पादन की, और कृषि क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र के अंदर आता है महाराष्ट्र। तो मित्रों मैंने जितने भी दलहनी फसलें थी उनके बारे में बताया। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे, बात करता हूँ राजस्थान की जो प्रमुख तिलहनी फसलें हैं, तिलहन वाली फसलें, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनके बारे में बात करूँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ मूंगफली के बारे में। मूंगफली आप खाते हो सब और पता होगा मूंगफली का तेल, इससे तेल बनता है, ठीक है। तो हम ये कौन सी फसल हो गई? तिलहन की, और ये खरीफ की फसल है। और इसके सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है ये बात करते हैं, फिर देखते हैं उत्पादन कहाँ पे है। तो ये दोनों एक ही जगह पे है, वो कौन सा जिला है? बीकानेर जिला। कौन सा जिला? बीकानेर। बीकानेर जिले के अंदर मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है और उत्पादन भी कहाँ पे होता है? बीकानेर जिले के अंदर। इसके अलावा महत्वपूर्ण जिले हैं जयपुर है, सीकर है, चूरू है, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, दौसा, यहाँ पर भी होता है उत्पादन। फिर बात करते हैं आगे कि भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। सबसे पहले कौन है? चीन। किसमें? उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पे है चीन, और दूसरा स्थान आता है हमारे भारत का। अगर साथ में आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। फिर बात करते हैं आगे, देश में सर्वाधिक उत्पादन भारत की बात करें तो देश के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है मूंगफली के अंदर, वो है गुजरात। भारत में गुजरात है फर्स्ट पे, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश मूंगफली में सेकंड स्थान पे, और हमारे राज्य का नंबर आता है 5वां। 5 नंबर पे कौन है? हमारा राजस्थान। देशों की बात बताई, चीन प्रथम पे, भारत दूसरा स्थान, राज्य की बात बताई, गुजरात फर्स्ट पे, आंध्र प्रदेश सेकंड पे और राजस्थान 5वें स्थान पे। और साथ में बात करूं ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय। और बात करें इसके लिए वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, तो वर्षा की जो वार्षिक औसत वर्षा है उसकी आवश्यकता कितनी होती है, वो होती है मित्रों 50 से 125 सेंटीमीटर तक, 50 से 125 सेंटीमीटर। और तापमान की बात करें तो तापमान इसके लिए 25 से 30 डिग्री तक होना चाहिए, तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो मूंगफली का उत्पादन हो सकता है 25 डिग्री से 30 डिग्री तक। ठीक है, इतनी बातें हो गई, आई होप समझ में आ गई होगी। फिर बढ़ता हूँ आगे और नेक्स्ट बात करता हूँ सरसों और राई के बारे में। और इनका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन की बात करें दोनों कहाँ पे हैं? टोंक जिले के अंदर। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी कौन सी? टोंक। और इसके अलावा हम बात करें अन्य जिले हैं जिसमें अलवर है, श्री गंगानगर है, बारा है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, करौली, यहाँ पर भी उत्पन्न होता है। और यह शीत ऋतु व शुष्क जलवायु प्रदेश में होने वाली फसल है। फिर बात करता हूँ इसके टेम्परेचर की, तो इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है औसत तापमान की 20 से 25 डिग्री सेल्सियस।
कितनी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग इसी के आसपास रहता है सभी फसलों के अंदर आप देखोगे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके जो बारिश की औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है वो कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से लगाकर 100 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। किसके अंदर, तो सरसों व राई के अंदर। फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मित्रों, ये जो सर्वाधिक है दोमट एवं बलुई मिट्टी के अंदर उपयोग होती है, इसके लिए कौन सी मिट्टी, दोमट व बलुई। मित्रों ये बातें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ती हैं आपको, रटनी पर रटनी तो नहीं करो लेकिन एक क्रम से आप बढ़ोगे पढ़ोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपको याद रखनी है। फिर बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर कुछ और बातें, देश के कुल उत्पादन का लगभग कितना 1/3% भाग केवल राजस्थान के अंदर उत्पादित होता है, कितना भाग 1/3% भाग राजस्थान के अंदर। और उत्पादन की दृष्टि से बात करूँ तो हमारा राजस्थान किस स्थान पे है, प्रथम स्थान पे, क्योंकि लगभग 33.33% कहाँ पे उत्पन्न होता है, राजस्थान के अंदर। तो हम सरसों और राई के बारे में बात की, फिर नेक्स्ट बात बढ़ कर रहा हूँ आगे तिल के बारे में, और तिल तो पता ही आपको कितना महंगा है और सर्वाधिक मात्रा में फसलें बोई जाती हैं, विदेशों में भी इसका निर्यात होता है, तो तिल के बारे में बात करता हूँ। और तिल सबको पता है कौन सी फसल है मित्रों, ये खरीफ की फसल है। और इस फसल के बारे में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पड़ता है मित्रों वो जिला है पाली जिला, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में तिल बोया जाता है, और जितना बोया जाता है तो उतना उत्पादन भी ही होता है, कहाँ पे, पाली जिले के अंदर। कौन सा लगाया, पाली जिला। फिर बढ़ते हैं आगे और इसके अंदर इसके टेम्परेचर की आवश्यकता की बात करूं, इसके अलावा और कौन कौन जिले, तो और कौन कौन जिले की बात करूं, सवाई माधोपुर हो गया, भीलवाड़ा, जोधपुर, टोंक, करौली, और ये उष्ण व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है किसके अंदर, तिल के अंदर। फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके टेम्परेचर की, और टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर इसके लिए आवश्यक होता है 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और औसत वार्षिक वर्षा की बात करूं मैं, तो औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से लगाकर 100 सेंटीमीटर तक इसके लिए बारिश की आवश्यकता होती है, औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है मित्रों। फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राजस्थान का संपूर्ण भारत में तिल के क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो दूसरा स्थान पड़ता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है पूरे भारतवर्ष के अंदर, द्वितीय स्थान। और उसी प्रकार में उत्पादन की बात करूं तो उत्पादन के अंदर हमारा राजस्थान का स्थान पड़ता है पांचवा स्थान, तो दो बार हमारा स्थान पांचवा गया है, मूंगफली के अंदर भी पांचवा स्थान है और तिल के अंदर भी पांचवा स्थान है। फिर बढ़ते हैं आगे और जो नेक्स्ट फसल है वो है अलसी, कौन सी है, अलसी, ये मैं पहले बता रखा हूँ रबी की फसल है। और अलसी के सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें और उत्पादन की बात करें, क्षेत्रफल एवं उत्पादन सर्वाधिक, और ये दोनों कहाँ पे है, वो जिला है नागौर, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन, और दोनों कहाँ पे, नागौर जिले के अंदर। फिर बढ़ते हैं आगे, इसके अलावा नागौर के अलावा कौन कौन जिले हैं, तो कोटा है, बूंदी है, चित्तौड़ है, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बारा, उदयपुर, यहाँ पर भी होता है अलसी का उत्पादन। भारत रूस एवं कनाडा के बाद तीसरा बड़ा स्थान है किसके उत्पादन के अंदर, अलसी के, सबसे पहले रूस फर्स्ट पे, दूसरा स्थान आता है कनाडा का और तीसरा स्थान आता है हमारे भारत का। इतनी बात आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ भारत के अंदर तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर होता है, ये कोई स्थान नहीं। अलसी के बारे में बात की, फिर बढ़ते हैं आगे और बात करता हूँ तारामीरा के बारे में, और तारामीरा मित्रों ये भी सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तारामीरा की बात करूँ मैं तो मित्रों ये सर्वाधिक होता है
नागौर जिले के अंदर ही, और उत्पादन भी, क्षेत्रफल भी नागौर जिला है और उत्पादन भी नागौर जिला, और रबी की फसल है, ये पहले बता रखा हूँ। और भी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, इसके अलावा भी प्रमुख जिले हैं, जयपुर है, पाली है, टोंक है, जालौर है, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, और इसको स्थानीय भाषा के अंदर गंदिया या पापड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंदिया या पापड़ा, स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? गंदिया या पापड़ा, ये बात भी आपको याद रखनी है। तारामीरा के बारे में हमने बात की। फिर बढ़ता हूँ आगे, नेक्स्ट सोयाबीन। सोयाबीन की बात करें मित्रों, तो सोयाबीन ये खरीफ की फसल है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है जिलों, कौन सा जिला? बारा जिला। और उत्पादन भी कहाँ पे होता है? बारा जिले के अंदर ही होता है इसका सर्वाधिक उत्पादन। इसके अलावा अन्य जिले हैं, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी होता है। और तिलम, जो तिलम संघ है, और तिलम संघ के द्वारा कोटा में सोयाबीन परियोजना स्थापना की गई। कौन सी परियोजना? सोयाबीन परियोजना। अरे कहाँ पे स्थापित की गई मित्रों? ये स्थापित की गई कोटा जिले के अंदर। और बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद जो हड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, वहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होने लगा। और देश में उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो राज्य का, हमारे राजस्थान का स्थान है तीसरा स्थान। किसे उत्पादन में? सोयाबीन के। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ अरंडी के बारे में। अरंडी मित्रों एक खरीफ की फसल है, और इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करूं और उत्पादन की बात करूं तो दोनों कहाँ पे? वो जिला है जालौर जिला। इसके अलावा भी जो सिरोही है, पाली है, बाड़मेर, यहाँ पर उत्पादन होता है। और देश में राज्य का स्थान है कौन सा? तीसरा स्थान। राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान। और प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम पे है गुजरात, हमारे पास ही पड़ता है गुजरात, और ये प्रथम स्थान पे है। फिर पढ़ते हैं आगे, कुल तिलन की बात कर लेते हैं। ओवरऑल की बात करूं तो कुल तिलन में तो सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन ये दोनों किसका है? बारा जिला। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, गंगानगर, झालावाड़, ये जिले भी हैं। कुल तिलन, ओवरऑल तिलन की बात करें तो उसकी दृष्टि से हमारे राज्य का स्थान दूसरा स्थान है, दूसरा हमारे राज्य का स्थान राजस्थान का। और जो प्रथम स्थान पे कुल तिलन की दृष्टि से मध्य प्रदेश MP। और कुल तिलन के अंदर बात करें जो भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देश है, भारत पहला स्थान पे है विश्व के अंदर। तो ये मित्रों मैंने बात की जो दलहनी फसलें थी और तिलन वाली फसलें थी, इन सब के बारे में डिटेल से समझाया, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आप कोई भी पीछे नहीं रहे। मैं हर प्रकार से बताने की कोशिश की है, जितना हो सके उतना सब बताया। आगे भी आने वाला जो पार्ट बनेगा जिसमें हम बात करेंगे व्यापारिक फसलों के बारे में बात करेंगे, और साथ में जो बागवानी फसलें हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो कुछ जो राजस्थान के अंदर मंडियाँ है, कृषि मंडियाँ, उन मंडियों के बारे में बात करेंगे, जो फेमस हैं, किसके लिए फेमस, सबके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो राजस्थानी कृषि है वो पाठ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ जो राजस्थान के प्रत्येक लेवल के एग्जाम को देखते हुए, न कि एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम को देखते हुए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जाम पढ़ाते तो इतना लंबा नहीं पढ़ाता, शॉर्ट करने का काम हो जाता, लेकिन ये RS से लगाकर कोई भी आपका लेवल एग्जाम होगा सब में काम आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।